हूं मीनाक्षी जोशी। रिया के ड्रग सिंडिकेट की जांच की आंच बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। बी टाउन में गैंग वॉर शुरू हो गया है और अब नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस विवाद में नई सनसनी पैदा हो गई फिल्म डायरेक्टर करण जौहर के घर हुई एक पार्टी को लेकर। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने करण जौहर के घर ड्रग्स पार्टी के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर सिरसा ने एनसीबी से शिकायत भी की है। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, विकी कौशल और रणबीर कपूर जैसे कई सितारे शामिल थे। सिरसा का आरोप है कि इस पार्टी में ड्रग्स ली गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर विकी कौशल की ओर से सफाई भी दी गई है। विकी कौशल के मुताबिक पार्टी में किसी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। आपको बता दें कि ये करण जौहर के घर हुई पार्टी 30 जुलाई 2019 की थी। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उस दौरान भी सिरसा ने मुंबई पुलिस से शिकायत की थी और जांच की मांग भी की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिरसा का दावा है कि अगर मामले की जांच होगी तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा इस पार्टी को ड्रग्स पार्टी आखिर क्यों कह रहे हैं, इस पर उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस पार्टी का ये वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। ये वीडियो 30 जुलाई 2019 का है। 32 सेकंड के इस वीडियो में 4 सेकंड पर दीपिका पादुकोण है, 3 सेकंड के बाद मलाइका अरोड़ा दिखाई दे रही हैं। कैमरा मूव करता हुआ अर्जुन कपूर पर जाता है और फिर शाहिद कपूर, वरुण धवन, जोया अख्तर भी दिखाई देते हैं इस वीडियो में। 20वें सेकंड पर फ्रेम में विकी कौशल भी नजर आते हैं, जबकि इसमें रणबीर कपूर भी आप देख सकते हैं। जैसे जैसे कैमरा आगे मूव करता जाएगा, देखिए जोया अख्तर दिखाई दे रही हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। वरुण धवन, विकी कौशल, मनजिंदर सिंह सिरसा आरोप लगा रहे हैं कि ये सभी नशा ले रहे थे और हाई क्वालिटी नशे में हैं। एक बार आपको फिर से बताते हैं कि इस पार्टी में कौन कौन मौजूद था, क्योंकि कई बड़े नाम इस पार्टी में शामिल थे। इनमें दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, वरुण धवन और जोया अख्तर के अलावा विकी कौशल और रणबीर कपूर भी थे। इस वीडियो में खास तौर से विकी कौशल का जिक्र किया गया है, जिनके बगल में एक सफेद रंग का पाउडर होने का दावा किया जा रहा है, जिसे कोकीन जैसा कोई हाई क्वालिटी ड्रग बताया जा रहा है। आप एक बार ये तस्वीर देखिए, ये जो सफेद हिस्सा आप देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये कोई हाई क्वालिटी ड्रग है। और जिस तरीके से विकी कौशल का एक्शन है, वो धीरे से अपना हाथ जो है, अपनी उंगलियां अपने नाक तक लेकर जाते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि पाउडर लेने वाले लोग ड्रग्स को लेने के बाद एडिक्ट नाक को कुछ इसी तरीके से साफ करते हैं या कोई ऐसी हरकत करते हैं जिस तरीके से एक्सप्रेशन विकी कौशल दे रहे हैं। ड्रग्स पार्टी को लेकर आरोपों में घिरे विकी कौशल और करण जौहर की सफाई क्या है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ चूंकि जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो आप ये बताएं सर कि एनसीबी को जो आपने कंप्लेंट की है वो क्यों की है? देखिए मीनाक्षी जी, ये कंप्लेंट मैंने कोई पहली बार नहीं की। मैंने 1 अगस्त 2019 को तब के कमिश्नर पुलिस को भी ये कंप्लेंट दी थी कि जो ये वीडियो है जिसके अंदर ये सब लोग स्टोन्ड दिखाई दे रहे हैं, नशे में दिखाई दे रहे हैं, और विक्की कौशल तो बाकायदा कोकीन लेने के बाद अपना नाक साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और इस केस को, इस पार्टी को इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक MLA अगर आपको ये कंप्लेंट देता है और मुंबई पुलिस ने इस लाइक भी नहीं समझा कि एक बार इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और अगर कुछ गलत नहीं था तो तथ्य सामने आ जाते, इसमें तो कुछ छुपाने की बात ही नहीं थी। अब विक्की कौशल ने भी कहा, एक दो लोगों ने कहा कि मैं माफ़ी मांगूँ, तो मैंने तो उनको बड़े विनम्रतापूर्वक ये कहा कि आप अपना डोप टेस्ट करा के पब्लिक में डालिए। मान लीजिए अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर इल्जाम लगे होते तो क्या वो डोप टेस्ट करा के अपनी रिपोर्ट ना डालता? आपको तो देश के आइकॉन हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, बच्चे बच्चे आपको फॉलो करते हैं, तो आपको तो एक मिसाल सेट करनी चाहिए। आपको तुरंत कहना चाहिए कि देखिए ये बॉलीवुड के ऊपर ब्लेम हो आएगा मेरे कारण, इसलिए मैं तो तुरंत अभी एक मिनट में डोप टेस्ट करा के अपना डाल रहा हूँ कि हम लोग नशा नहीं कर रहे और ना ही इस पार्टी में नशा हो रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुंबई पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इसकी जांच नहीं की। लेकिन सिरसा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है इस वीडियो को देखकर कि ये सभी स्टार्स जो हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, ये ड्रग्स ले रही हैं, आपको क्यों ऐसा लगा?
मीनाक्षी जी, अगर यही सवाल आज से एक साल पहले भी मुझे पूछा गया था और अगर इसी सवाल के ऊपर पुलिस ने जांच की होती तो आज सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक अभिनेता को हमें खोना ना पड़ता। अब तो तब तो मैं अकेला चला के बोल रहा था, अब तो देश का हर नेशनल चैनल चला चला के बोल रहा है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए, कितने उनके ड्रग पेडलर्स पकड़े गए, कितने लोग जो ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे थे इन लोगों को पकड़े गए। तो मुझे अकेले लग नहीं रहा, ये तो पहली बात है, वीडियो तो चला चला कर बोल रही है, वीडियो खुद ही चला चला कर बोल रही है। आपसे मैं मीनाक्षी जी, वैसे मुझे अधिकार नहीं है टीवी चैनल से सवाल पूछने का, पर मैं आपको एक सिचुएशन में पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर ये किसी पॉलिटिशियंस की ऐसी पार्टी रही होती तो क्या देश के लोग चुप रहते और टीवी चैनल चुप रहते इसके ऊपर? क्या देश के पॉलिटिशियंस को, नेताओं को इस पर सफाई ना देनी पड़ती? और अगर हमें सफाई देनी पड़ती तो बॉलीवुड को सफाई क्यों ना देनी पड़े? और ख़ास तौर पर जो लोग पूरे पंजाब को उड़ता पंजाब बता रहे थे, शाहिद कपूर जैसे लोग और नशे की खुद लत से लिप्त हैं और हम लोगों को बदनाम किया, पूरी दुनिया भर के अंदर हमें बदनाम किया, क्या पूरा पंजाब नशा कर रहा था कोई? और अगर आज बॉलीवुड की बात होती है, हम कहते हैं उड़ता बॉलीवुड, तो बॉलीवुड के लोग चला चला के कहते हैं बॉलीवुड को बदनाम मत करो, तो भाई पंजाब क्यों? पंजाब पंजाब नहीं है हमारी, क्या उसके साथ आस्था नहीं जुड़ी हुई? आपने हमें पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करने का काम किया और आज तो आपकी तो वीडियो सामने है, तथ्य सामने हैं, फिर आप क्यों भाग रहे हैं? आज क्या इसके ऊपर कोई कपूर बोल रहा है, शाहिद कपूर इस पर बोल रहा है? क्या विक्की कौशल इसके ऊपर बोल रहा है? क्या अर्जुन कपूर, जो अर्जुन है वो इसके ऊपर बोल रहे हैं? या जिन लोगों के घर पर पार्टी हुई, करण जौहर, वो इसके ऊपर बोल रहे हैं? इन लोगों को कहना चाहिए कि आइए जी, हमारे तो स्पष्टीकरण देने को हम तैयार हैं, हमारे तो आज भी डोप टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि ये तो सब लोग डोप टेस्ट का तो नहीं पता सिरसा जी, लेकिन करण जौहर और विक्की कौशल ने जरूर इस मुद्दे पर बोला, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये वीडियो एक साल पुराना है जब वीडियो वायरल हुआ था और इसी दौरान आपने तभी सवाल खड़े किए थे। सिरसा जी, उस वक्त की पार्टी में ड्रग्स लिए जाने का जब आरोप लगा था तब विक्की कौशल की ओर से सफाई भी आई थी, एक बार हम वो सफाई सुना देते हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। करण जौहर ने पार्टी के लिए बुलाया था, मैं 3 दिन पहले ही डेंगू से ठीक हुआ था, 10 दिनों तक डेंगू के इलाज करा रहा था जो मेरे लिए बहुत बोरिंग था। करीब रात के 1:30 बज रहे थे, उसी वक्त करण की मम्मी कहीं बाहर से आईं और गंगा जल छिड़का, वो अपने कमरे में चली गईं। जब ये वीडियो करण शूट कर रहा था, पहली बार में नहीं शूट हो पाया, हम थक गए थे। करण ने 4 बार वीडियो बनाया लेकिन सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, हमें नहीं पता लग पाया कि कब ये वीडियो बन गया। नाक खुजलाना ये नॉर्मल चीज है, हमें नहीं पता कि नाक खुजलाने का मतलब सिर्फ ड्रग्स लेना ही होता है, और जो सफेद चीज दिख रही है वो केवल रिफ्लेक्शन था किसी चीज का जिसे लोगों ने ड्रग्स मान लिया। आप क्या बोलेंगे सिरसा जी इस बयान पर? देखिए, उन्होंने खुद ही अपने सारी बातें अपने आप खुद ही मानी है। पहली बात तो आप बताइए, ऐसी कौन सी मूवी शूट करनी थी जो 3 बार में शूट नहीं हो रही थी? क्योंकि ड्रग्स आ रहा था बार बार बीच में, इसलिए तो वीडियो नहीं शूट हो रही थी ना, क्योंकि जैसे ही वीडियो बनाने लगते थे फिर उन्हें को ड्रग्स करता दिख जाता था। आप भी मीनाक्षी जी, मैंने आपको भी टीवी पर वही देखता हूँ, और आप भी अपने घर में वीडियो, ऐसी तो कोई वीडियो नहीं बनती कि जिसको 4 बार बनाना पड़ रहा हो कह रहा 3 बार बनानी पड़ी, वीडियो बनी नहीं। तो बनी इसलिए नहीं क्योंकि आप ड्रग्स ले रहे थे और बार बार ड्रग्स बीच में आ रही थी। एक दूसरी बात मैं तो कह रहा हूँ कि आप अगर वो कह रहे हैं तो विक्की कौशल एक अदाकार हैं, उनकी एक फॉलोइंग है। आपको ऐसा लगता है कि इसका, जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, जैसे विक्की कौशल ने कहा कि नाक को खुजला लेना तो बहुत ही नॉर्मल है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने ड्रग्स ली? नहीं नहीं, आप देखिए, नाक को नहीं वो खुजला रहे, आप वीडियो देखिए, वीडियो में वो नाक को खुजला नहीं रहे, वीडियो में वो जब कैमरा देखते हैं तुरंत अपने नाक को साफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने तभी इसको कोक को, जो कि आप वीडियो में और आप देखते रहेंगे अक्सर पिक्चरों में, तो उसको स्निफ करते हैं, स्निफ करने के बाद वो साफ, तो आप देखिए वो नाक नहीं खुजला रहे थे। अगर आदमी बैठा नाक खुजला रहा हो तो वो भी पता चल जाता है, वो तो वीडियो को देखते ही, कैमरे को देखते ही वो, उनको समझ में आ गया कि सामने मेरे पे कैमरा मेरे पे है, तो तुरंत वो हरकत में आते हैं और जो उन्होंने अपने उससे पहले ड्रग्स ली थी उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, नाक नहीं खुजला रहे। आप देख लें, आप एक बार दर्शकों को वीडियो जरूर दिखाएं दोबारा से और फिर दर्शकों को भी सोचने। वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं सिरसा जी, क्योंकि ये वीडियो साल भर से सोशल मीडिया यानी पब्लिक डोमेन में है तो लोग देख रहे हैं। अब सिरसा जी एक बात बताएं कि पिछले साल करण जौहर ने जब इस पूरे मामले पर सफाई दी थी तब उन्होंने ये भी कहा था कि क्या वो इतने नादान है कि
कि वो इतने नादान है कि अपना वीडियो खुद बनाएंगे और उसके बाद फिर पब्लिक डोमेन पर डाल देंगे। आप देखिए, जहाँ पर मेरा घर है, जहाँ पर इंडस्ट्री के सफल मेहनती लोग पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद समय बिता रहे हैं, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं मूर्ख तो हूँ नहीं कि अगर वहाँ ऐसा कुछ हो रहा होता तो मैं वो वीडियो बनाता। मैं ऐसे आधारहीन आरोपों पर जवाब नहीं देता हूँ। मेरी माँ वहाँ से 10 मीटर दूर रहती हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में 5 मिनट पहले ही माँ हमारे साथ बैठी हुई थी। ये उसी तरह की एक पारिवारिक सोशल गैदरिंग थी। मेरे दोस्त वहाँ बैठे थे, अच्छा समय बिता रहे थे, हम गाना सुन रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे, हम बातें कर रहे थे, वहाँ और कुछ नहीं हो रहा था। हम वहाँ बैठकर मस्ती कर रहे थे, हाँ एक दो लोग वाइन ज़रूर पी रहे थे, बस और कुछ नहीं हो रहा था। ये करण जौहर ने सफाई दी थी। आप क्या कहेंगे सिरसा जी? वो कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले ही तो माँ वहाँ पर बैठी हुई थी। वही बात विकी कौशल भी कह रहे हैं कि माँ गंगा जल छिड़क कर गई थी और हम थोड़ा सा तो मैं भी मीनाक्षी जी मेरे मैं तो कहूँ मेरे को जरूरत ही नहीं ना। करण जौहर ने, विक्की कौशल ने ही करण जौहर की बातों का जवाब दे दिया कि वो तो उन्होंने तो कभी ये वीडियो नशे में करते हुए लोगों के थोड़ा बनाई थी। उन्होंने 3 बार वीडियो बनाई इसीलिए कि नशा करते लोग ना दिखें, फिर बनाई फिर। लेकिन अभी तो उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि अब इसके अंदर भी नीचे नशा पड़ा दिखाई दे रहा है। ये तो एक स्वाभाविक तौर पर हुआ कि वो नीचे पड़ा हुआ दिखाई दे गया और विक्की कौशल पे जब कैमरा आता है तो एकदम हरकत में आ जाते हैं और वो अपना अच्छा। लेकिन ये तो खुद विक्की कौशल और करण जौहर खुद ही अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमने 3 बार कोशिश की वीडियो बनाने की, वीडियो क्यों नहीं बन पा रही थी, क्योंकि नशा करते हुए लोग बीच में आ रहे थे। इसीलिए करण जौहर ने तो बड़ी साफ सुथरी वीडियो डाली थी, नशा करते हुए लोगों को हटाकर, नशा करते हुए लोगों को बंद करके वीडियो डाली थी। लेकिन उनको ये इस बात का कभी ध्यान भी नहीं रहा होगा कि नीचे जो नशा पड़ा हुआ है वो वीडियो में आ गया है। ये तो हम भी मान रहे हैं, तो वो विक्की कौशल भी मान रहा है कि 4 बार वीडियो बनानी पड़ी थी, वीडियो बन नहीं रही थी। और वीडियो को बनाना जी, अब क्योंकि आपने पूरे मामले में एनसीबी को कंप्लेंट दे दी है, देखना ये होगा कि एनसीबी इस कंप्लेंट को किस तरह से लेती है और जांच करती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सिरसा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठानी बहुत